लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, जिससे स्वच्छ लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके। जिसके लिए जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी सम्मानित नागरिकों से 19 मई को जनपद में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की है। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा कि देश को सुदृढ़ और निष्पक्ष सरकार बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदेय स्थलों पर समुचित व्यवस्था की गई है, दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई है। डीएम ने पहली बार वोटर बने युवा मतदाताओं का स्वागत करते हुए कहा कि युवा वर्ग आगे आए और अधिक से अधिक मतदान कराने में अपनी सहभागिता दें। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेयन ने कहा, देखिए आप सब जानते हैं तो गोरखपुर में 34 लाख वोटर है हमारा, और इस बार तो 3 सांसदीय क्षेत्र का जो चुनाव हो रहा है उसको तो खजनी क्षेत्र हमारा जो केवल है वो संत कबीर नगर सांसदीय क्षेत्र का अंदर होता है, उसमें उसको 16 तारीख का जो वोट पड़ेगा यानी 16 मई में केवल खजनी विधानसभा क्षेत्र का। उसके अलावा बाकी बचा हुआ हमारा 8 विधानसभा क्षेत्र है, सांसदीय क्षेत्र है, और उस पर तो 2 सांसदीय क्षेत्र पड़ता है, एक तो बांसगांव पड़ता है, उस पर 3 विधानसभा क्षेत्र है, और गोरखपुर में 5 विधानसभा क्षेत्र है। तो दोनों का चुनाव 19 मई का है। ये मैं आपका दर्शक सबको चैनल के जरिए से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, 5 साल के एक बार जो ये मौका मिलता है जनता का, अपने मताधिकार का कृपया करके इस्तेमाल करें। अभी भी किसका वोटर बनाने से छूटे हुए तो आप लोग फॉर्म 6 भरा करके आप लोग दे सकते हैं। अभी भी किसी के वजह आप लोग का नाम छूटा हुआ तो हम लोग शामिल कर देंगे, बट किसी के वजह आप लोग घर पे नहीं रह सकते हैं 19 तारीख को। कृपया करके बाहर आकर के अपने मत का अधिकार को प्रयोग करें, ये सबको जिम्मेदारी है, ये आपको भागीदारी के लिए मैं आग्रह करता हूँ, कृपया करके आकर के आपके मताधिकार का प्रयोग करें। एक अतिरिक्त सूचना मैं देना चाहता हूँ, वैसे तो हर बार ये मतदाता पर्ची हम लोग बांटते हैं, घर घर जाकर के वितरण करते हैं, उस पर डिटेल रहता है, उनका फोटो रहता है, उसके बाद फिर किस बूथ पे उनका वोट है उसका भाग संख्या डिटेल वो रहता है। पिछले चुनाव में ये माननीय होता है केवल जो वोटर पर्ची से ले आकर के कोई वोट दे सकते हैं, बट इस बार स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने मतलब इलेक्शन कमीशन ने तो उसको मना कर दिए, जो भी केवल वोटर पर्ची लेके आते हैं उसके अलावा अतिरिक्त 11 डॉक्यूमेंट और अन्य डॉक्यूमेंट लेके आना होता है, वैसे उनका पैन कार्ड हो, वैसे उनका ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी फोटो युक्त पहचान पत्र किसी भी एजेंसी माध्यम से जारी हुआ हो उसको ले आकर के वो दे सकते हैं, बट केवल काली वोटर पर्ची ले आकर के वोट नहीं दे सकते इस बार। इसलिए ध्यान में रखें, वोटर पर्ची केवल आपका सहयोग के लिए, जानकारी के लिए, उससे आप वोट नहीं पड़वा सकते हैं, वोट देने के लिए आप और अन्य डॉक्यूमेंट को लेके आना होगा, ये जरूरी है। सर, तो भी आप जाते हैं दिव्यांग, यहाँ तो गोरखपुर में तकरीबन 22,000 दिव्यांग वोटर है, उन लोगों को हम लोग बूथ वाइज हम लोग मैपिंग करवा रहे हैं, कहाँ किस किस बूथ में कितने संख्या में जो दिव्यांग वोटर है, उन लोगों के लिए हम लोग रैंप तो हर जगह बनी हुई है हमारा, उसके अलावा हम लोग व्हील चेयर की व्यवस्था करवा रहे हैं, फिर वॉलंटियर की व्यवस्था करवा रहे हैं, जो किसी भी बूथ पे ये केवल दिव्यांग जन का नहीं है, बुजुर्ग को भी और किसी के वजह मान लीजिए वो पैदल नहीं आ पा रहे उन्हीं को भी सहयोगी मिलेंगे वहाँ, और व्हील चेयर भी मिलेगा, उन लोग बिना संकोच के लिए आकर के अपने मताधिकार का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अतिरिक्त हम लोग हमेशा छूट देते हैं, जो किसी के पास 2-व्हीलर साधन है, जो दिव्यांग जन है वो बूथ के गेट तक आकर के आराम से उनके साथी को ले आ सकते हैं, एक साथी को भी हम लोग अलाउ करते हैं ताकि बूथ तक पहुंचाने के लिए मदद कर सकते हैं। उसके अलावा यदि 4-व्हीलर पे भी आना चाहते हैं वो बूथ गेट तक वो अपने 4-व्हीलर से भी दिव्यांग जन आ सकते हैं, अपने वोट दे सकते हैं, इसलिए उस दिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। आप केवल दिव्यांग जन होना एक कारण नहीं है आप वोट ना देने के लिए, इस बार जरूर आप आ जाए, आपको जो भी सुविधा चाहिए तो वो पहले ही मिलेगा। उसके अलावा अतिरिक्त सुविधा आप चाहते हैं तो कृपया करके हमें बात करके संपर्क करके बता दें, वो अतिरिक्त सुविधा को भी व्यवस्था हम लोग करा देंगे। सर, कुछ जनवरी में 18 साल पूरा किए हैं उनके वोट? हाँ, मेरा जो नौजवान वोटर है खासतौर पर अभी जो 18 साल पूरे हुए हैं जनवरी में, आपको अपील करता हूँ, देखिए आप तो पहले बार वोटर बनाएंगे, आपका मैं तो आपका बधाई देता हूँ, और साथ साथ ये जिम्मेदारी आप 18 साल से निभाना चालू कर दें, ताकि ये 18 साल के बाद मानते हैं आप भी एक मेजर व्यक्ति हैं, आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, ये आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है,
अब आकर के आपने जनप्रतिनिधि चुनने का, आप जो जो भी पार्टी को दे रहे हैं वो उसके बारे में जानकारी रखें और उनके मैनिफेस्टो पढ़ लें, और हम लोग संविधान के बारे में भी आप देख लें, सांसद कौन है, विधायक कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, उन लोग का कर्तव्य क्या है, काम क्या है, सब जानकारी रख लें, और कृपया करके आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, 5 साल के एक बार मिलता है। आप पहले बार वोटर हैं इसलिए आपका स्वागत है, आप आकर के कृपया करके आपके मताधिकार का प्रयोग करें।